क्या नजारा है। और कितना समय लगेगा? करीब 6.5 घंटे। अभी करते हैं? इतनी जल्दी खत्म करते हैं। ओके, तो ठीक है। दोस्तों, किसी को प्यास लगी? पूछे मत यार, सिर्फ पिला दे। वैसे ही मौसम बहुत ठंडा है, ले थोड़ी गर्मी ले ले। गंदी गंदी तस्वीरें लेके चलते हो, रिपोर्ट कर दूंगा। चुप करना यार। अरे मेरे को भी तो दे, ला दे ना। खत्म मत करना, मैं भी हूँ, दे ना। Yes. Cheers. अरे पियो, लेकिन मेरे लिए भी छोड़ दो यार। ये ले। Cheers. Cheers. अच्छी वोडका यार, ला देना, एक बार और दे। तुम्हें और चाहिए? ओए ये सारी बोतल, ये क्या किया तूने? और पीने के दिए। को वापस ला रहा हूँ, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैसेज पहुँच गया? सिर्फ तुम ही बचे हो, जल्दी आ जाओ, पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी शुरू कर दी? हफ्ते के आखिरी में पहला विंटर स्टॉर्म आने वाला है, हम पहले ही सबके शिफ्ट बदल रहे हैं। समझ गया, अभी आता हूँ।
ये 72 घंटे की चेतावनी है। जो मैथ्स में कमजोर हैं, उन्हें बता दूं कि आखिरी फ्लाइट में अभी 3 दिन हैं। मुझे आपको ये भी बताना है कि आज रात स्टेशन पार्टी खत्म होने से पहले हमारे पास इसकी ट्यूनिंग अच्छी है। फ्राइडे की सुबह आपका सारा सामान हॉल में पहुंच जाना चाहिए। सामान को फ्लाइट में जाने वाले सामानों की लिस्ट में लिखवा दीजिएगा, नहीं तो वो सामान आपके साथ नहीं जाएगा। आपको वो लिस्ट मेन बोर्ड पर मिल जाएगी। सभी वर्क स्टेशन के जो लोग विंटर वाले ग्रुप में हैं, जो यही बेस में रुके उनका दोपहर में 1 बजे खास इंस्पेक्शन होगा, ये जानने के लिए कि वो सब सर्दियों में यहाँ रुकने के लिए सुरक्षित है या नहीं। और जो यही रुके रहे हैं अच्छी गुजरे, अपना ध्यान रखिएगा। मैं नहा रही हूँ डॉग, अभी आती हूँ। चिकन, श्रिम्प, ये सबसे अच्छे नूडल्स होते हैं। ट्रिप के बारे में जानना चाहते हो? मैं 3 घंटे उड़कर चोरी हुए बॉटनी सैंपल के बात करने पीएचडी के पास गई थी। बॉटनी सैंपल? कैनबिस डीवा। आह बिल्कुल, कैनबिस वीट, ऐसा तो होता ही रहता है। ओ एक बात बता दूं, बड़ा तूफान आने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा। बेडिंग सूट, सनस्क्रीन पैक है, मैं तैयार हूँ। बस तुम्हें यही चाहिए। कैरी तुम वहाँ हो? एक मिनट रुको, बोलो। स्टेशन मैनेजर तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, डिनर पर मिलते हैं। नहीं वहाँ नहीं, ये मेरा डिनर है, मैस के खाने से तो 100 गुना अच्छा है। हम प्लेन में मिलते हैं। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं मैं सही कह रहा हूँ। डॉक, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? यहाँ हॉवर्थ मेसा पर वो बॉडी देखी गई थी। डेल्फी ने मैकमुडो को फोन पे बताया था। सच में वहाँ वो बंदा क्या कर रहा था? वहाँ तो कोई नहीं रहता। शायद ये सिर्फ एक वेदर बैलून हो या कोई पुराना टेंट हो। ये उस लड़के का पहला साल है, तुम अभी आई हो पर तुम्हें ये रिपोर्ट जांचनी होगी। ठीक है, मैं डॉक को अपने साथ ले जाऊंगी। सुनो कैरी, सैम टाइम वेस्ट मत करो, बताओ कितने कैरेट की है। इसे देखे बिना खुश मत हो, पहले से खोलो फिर बोलो। सुना है कि तुमने बैकगैमन गेम में मार्शल सर्विस जितना कमाया है, तुम्हें खेलते रहना चाहिए। हाँ शायद स्टेट जाकर फिर से खेलूं। बढ़िया, तुम अब भी रिजाइन करना चाहोगी? हाँ, क्या वहां भी प्रोफेशनल बैकगैमन प्लेयर्स हैं? यही रूल विंटर ओवर स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होता है। इसे जांचने के लिए तुम्हारे पास 90 दिन हैं। मुझे सन 1600 से अब तक धरती के तापमान में बदलाव की प्रॉक्सीज चाहिए। देखें कैंसस को कोस्टल स्टेट बनने में कितना समय लगता है। अटेंशन साउथ पोल, अभी अभी P282 से सूचना आई है, उस एयरक्राफ्ट का समय बदल गया है, अब वो 3:30 बजे।
सारी फ्लाइट टीम अपना शेड्यूल इसी समय के अनुसार एडजस्ट कर लें। हे मार्शल। हेडन, तुमने डॉग को देखा? वो न्यू कमर्स के साथ बाहर है। मार्शल, मेरे कपड़े उतार के मेरी चेकिंग नहीं करोगी? तुम दरवाजे से दूसरे नंबर पर निकले थे ना? या। मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तीन दिनों के अंदर ही हम विंटर ओवर शुरू कर देंगे। आसमान काला हो जाता है और वो 6 महीने तक ऐसा ही रहता है। तो कुदरत की कोई इच्छा नहीं है कि तुम यहाँ जिंदा रहो, लेकिन तुम यहाँ हो और मैं यहाँ हूँ तुम्हें यह सिखाने के लिए कि यहाँ जिंदा कैसे रहना। Come on! क्या बात है! Time! शरीर का तापमान लगभग 97 डिग्री तक गिर गया है और तुम सोच नहीं पा रहे हो। तुम्हारी मोटर स्किल्स फेल हो रही हैं। साफ शब्दों में कहूं तो तुम सब मरने की कगार पर हो और अभी सिर्फ 3 मिनट हुए। यहाँ एक सबसे बड़ा संकट है और वो है वाइट आउट। 2 भड़के हुए मौसम एक जगह मिलते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं दिखता। 100 मील दूर से हवाएं तेजी से आकर बड़े से बर्फ के गोले को तुम्हारे मुंह पर इतनी जोर से फेंकती हैं कि तुम अपने मुंह के सामने 6 इंच तक कुछ नहीं देख पाते और मर जाते। ध्यान रहे, बर्फ को कभी कमजोर मत समझना। अब अपने कोट पहन लो। तो क्लास, अब मार्शल स्टेटको को एक गर्मा गर्म साउथ पोल हेलो बोलो। हेलो मार्शल स्टेटको। हाय गाइस। क्या हुआ? मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ फ्लाइट पर चलें। डेल्फी नाम के पायलट ने एक बॉडी देखी है। इसका इंजन काफी ठंडा है, तुम 5 मिनट फ्लोर को ऑन रखकर ही इस प्लेन को उड़ाने की उम्मीद कर सकते हो। आपने अपना इरादा क्यों बदल दिया? मुझे लगा आप फिर से यहीं रुकना चाहते हैं। मुझे मेरी पोती का कार्ड मिला है, वो मुझे अपने 5वें जन्मदिन पर बुलाना चाहते हैं। आपकी पोती भी है? मेरी एक कैरी नाम की पोती है और मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ क्योंकि अरसे से मैं यहीं हूँ। तुम डेल्फी हो? हाँ सर, यही नाम है मेरा। मैं स्टेटको हूँ, ये जॉन फ्यूरी है। इसे चलाने जितने बड़े हो गए हो? शायद हो गया। कोशिश करना कि मेरे प्लेन पे आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। लगता है हमारी खूब पटेगी। ASB, कम इन। मैं नंबर 178 बोल रहा हूँ। मैं हैवॉक मेसा से 5 मिनट की दूरी पर हूँ। मौसम कैसा है? ओवर। मौसम साफ है। रोजर ASB, जब मैं प्लेन मोड़ूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। नींद आ रही है? हाँ। मैं अपनी सारी जिंदगी इन हसीन वादियों में उड़ते हुए गुजार सकता हूँ। कैसे होगा? शायद ये ऊपर चढ़ रहा होगा और वहां से नीचे गिर गया। तो इसका सामान कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ बिना किसी सामान के कैसे आ सकता है? ये बर्फ से चिपक गया है, मेरी मदद करो। और लगाओ।
क्या तुम ठीक हो? हाँ, चलो देखते हैं ये कौन है। वाइस। हाँ मैं इसे जानता हूँ। हाँ पिछली सर्दियों में ये हमारे साथ था, बहुत बार हमने इसके साथ कार्ड्स भी खेले। ये वही है ना जो चीटिंग करता था? ये जियोलॉजिस्ट था। क्या हो गया? आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पकड़ो। सही है। ये बर्फ बरसों पुरानी है ना? हाँ। ये 10 साल पुरानी विस्की है। ओके? मजा आएगा। हटो, रास्ते से हटो, हट जाओ, रास्ता खाली करो। किसे लेके आए हैं? इसके गुम होने की रिपोर्ट अभी तक किसी ने क्यों नहीं की? शायद उन्हें इस बात का पता ही ना हो। ये क्या है? इसका पता लगाना पड़ेगा। ये ताजा घाव है। फील्ड में किसी ने इसके घाव को ठीक किया होगा। पर वो जल्दी में थे। और ये यहाँ पे? ओह गॉड, ऐसा घाव किससे हो सकता है? घाव के आसपास खुरदरापन है, बर्फ की कुल्हाड़ी या फिर ऐसा ही कुछ। हमें हावर्ड मेसा पर एक जियोलॉजिस्ट मिला है जिसने अपनी टांग पर घाव किया, उसे स्ट्रिच किया, फिर वो 100 फुट की बर्फ की दीवार पर चढ़ा और अपनी खुद की कुल्हाड़ी पर गिर पड़ा जो कि उसकी बॉडी के पास कहीं नहीं मिली। डॉक, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसका मतलब है इसे जांचने की जरूरत है, हम इसके गवाह हैं। मैं जानता हूं तुम यहां से जाना चाहती हो कैरी, और आखिरी प्लेन 2 दिनों में जाएगा। हमें यहां सर्दियां गुजारनी पड़ सकती हैं। क्या तुम यहां रुकना चाहोगी? नहीं। ओह गॉड, मुझे नहीं मालूम। अगर तुम कहो तो मैं इसे बैग में पैक करके इसे प्लेन में डालकर मैकमुर्डो भेज सकता हूं। मुझे तुम्हारा जवाब ना में नहीं चाहिए। जाए सैटरडे को मेरा एक प्लान है। पॉपकॉर्न खाना और दारू पीना प्लान नहीं होता। जाए यहाँ कोई नहीं है। चल उधर। क्या हाल है? ठीक है? थोड़ा आराम कर लो, थक गई हुई है। इसे पकड़ के तुमने कमाल किया है। क्या रे, तो तुम वो बॉडी लाई हो? हाँ प्लीज, अगली बार कोई बॉडी मिले तो उसे कॉरिडोर से मत लाना। सैम, उसका खून हुआ था। तुम्हें यकीन है? हाँ पूरा यकीन है। उसका नाम वाइस था, वो हम में से एक था। FBI को बताना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं FBI इसे कैसे हैंडल करता है। कौन से कैंप में था वो? मुझे नहीं पता, मैग्वायर से बात करनी पड़ेगी।
Squadron 4233. Anton Weiss, Michael Rubin, John Mooney. ये उस कैंप में क्या करते थे? 1-1 एक एबलेशन जोन पर था. एक्सप्लेन करो. मेटेराइट्स को ढूंढने के लिए अच्छी जगह है, बिल्कुल यहाँ पर. हमें वाइस उस कैंप के आसपास नहीं मिला था. रुको, क्या कहा? वाइस? कुछ दिन पहले डेल्टा वन में से किसी ने उसके लिए कॉल किया था. मैंने सबसे पूछा लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा. आपको नहीं लगता कि अपने साथी को ढूंढने के लिए उनका यहाँ कॉल करना अजीब है? उस वक्त तो नहीं लगा था. क्या उस कैंप के साथ आपकी वो आखिरी बातचीत थी? अभी बताता हूँ. उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 11553. डेल्टा 11 साउथ पोल, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल कैरी स्टेटको, ओवर. डेल्टा 11 साउथ पोल, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल स्टेटको, कोई सुन रहा है? ओवर. मुझे वो बुक चाहिए. कैरी स्टेटको, प्लीज कॉल कमांडर एट 282. स्टेटको. मार्शल, मैं जेमी बोल रही हूँ. वॉस्टॉक से कोई तुमसे बात करना चाहता है. वो अपना नाम नहीं बता रहा. वॉस्टॉक? ठीक है, उससे बात करवाओ. ओके. मैं मार्शल स्टेटको हूँ, आप कौन है? मैं जॉन मुनी बोल रहा हूँ मार्शल. तुम्हारे कैंप में क्या हो रहा है मुनी? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? यहाँ आकर बात करो. नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता. तुम्हें वॉस्टॉक आना पड़ेगा. सिर्फ तुम्हें. मैं वॉस्टॉक क्यों आऊंगी? जल्दी वॉस्टॉक आ जाओ प्लीज. देखो, मेरे पास ज्यादा अच्छा आइडिया है. मैं प्लेन भेज देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ. एक बार वॉस्टॉक आ जाओ तो तुम सब समझ जाओगी. रोंडा, हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. तूफान बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है. हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 घंटे पहले. मुझे 8 बार प्लेन उड़ाना है. सॉरी गाइस, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लेन उड़ाने हैं. यहाँ कोई फिल्म बन रही है क्या? अरे 3 घंटे की नींद में मैं 8 बार कैसे उड़ सकता हूँ? वैसे ही जैसे सब उड़ेंगे, अपनी जान हथेली पर रखकर. रोंडा, मुझे वॉस्टॉक जाने के लिए एक प्लेन चाहिए. हमारे सारे प्लेन्स बिजी हैं. इस तूफान की वजह से हम सब काफी परेशान हैं. मुझे डेल्फी चाहिए. रोंडा, ये मेरा ऑर्डर है. थक गई होगी, थोड़ा आराम कर. इसे पकड़ के तुमने कमाल किया. तो क्या हो रहा है? जब मैं मैग्वायर के ऑफिस में थी तब वाइस के एक मिसिंग टीम मेंबर ने कॉल किया. किसने? मूनी ने. उसके बारे में सुना है. खैर, वो वॉस्टॉक में है, पुराने रशियन बेस में. मुझे लगा वो सर्दियों के लिए यहाँ से निकल चुके हैं. मुझे भी यही लगता था, लेकिन मूनी ने मुझसे फोन पर कुछ नहीं बताया. तुम्हारा पायलट कौन है? जेल्फी. मैं ठीक हूँ. तुम ठीक हो या तुम ठीक हो जाओगी? जब पहली बार ऑफिस में आई थी तो मैं ऐसी ही दिख रही थी. ये सच नहीं है, तब मैं बहुत सांवली थी. कैरी, डेल्फी बोल रहा हूँ, तुम सुन रही हो? बोलो. मेरा प्लेन तैयार है, आसमान साफ है और तापमान -50 है, बस तुम्हारा इंतजार है. मैं अभी आ रही हूँ. पता है कैसा लग रहा है? जिन्होंने नहीं सुना वो सुन ले कि हम अफसोस है. निराश. यहाँ 2 साल से हूँ, अपराधियों से डील कर रही हूँ. मैंने सिर्फ अपने काम से काम रखा, बिना सोचे समझे, बिना परेशानी के. मैंने यही सोचा, यही हुआ भी. मुझे लगा मैं सब भूल गई हूँ. मियामी. हाँ, जब मैंने वाइस की बॉडी देखी ऐसा लगा जैसे टेम्परेचर 85 डिग्री हो और ह्यूमिडिटी 80% हो. हाँ, वैसे समय एक सा नहीं रहता, इसीलिए उन्होंने ये स्कॉच इन्वेंट की है. अपना ख्याल रखना. थैंक्स.
घंटे बचे हैं, आप समय रहते सारी तैयारियां कर लें। हमें बेस पर वापस चलना चाहिए। अभी एक और बिल्डिंग चेक करनी है। टेम्परेचर गिरता जा रहा है, फिर भी तुम बाहर जाना चाहोगे? दरवाजा खोलने वाली हूँ, यहीं रुकोगे क्या? कैरिस्टेट को हूँ। मोनी, मोनी Thank you.
थोड़ा आराम कर ले, थक गई हूँ। कैरी, मैं हूँ, तुम ठीक तो हो? कैरी, मैं हूँ, ये मैं हूँ, डेल्फी, तुम ठीक तो हो? कैसा लग रहा है? सब ठीक तो है? शांत हो जाओ। तुम बाहर वाले कमरे में बेहोश थी और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मुनी मर चुका है। वहां एक आदमी था, उसी ने मुनी को मारा और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। वो अभी यहीं कहीं होगा। तुम्हारी चिन कैसी है? तुम्हारे हाथ से अच्छी है। चोट कितनी गहरी है? शायद देखना पसंद नहीं करोगी। मुझे वापस बाहर जाना है। हाथ ऊपर करो, लाइट चलाओ। हाँ। कौन हो तुम? रिलैक्स, मेरे पास आईडी है। लाइट चलाओ। पहले ये लाइट मेरे सामने से हटाओ। रॉबर्ट प्राइस, यूएन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के साथ काम करता हूँ मैं। हाँ, मिल गया। तुमसे वेस के बारे में बात करने पोल गया था। उसके बारे में कैसे पता? FBI ने सूचना दी थी। तुम्हारे बेस कमांडर मर्फी ने कॉल किया था। मौसम के साफ होते ही मुझे यहाँ भेज दिया गया। कुछ घंटों से मैं यही हूँ, सोचा तुम दोनों को थोड़ा सोने दूँ। अब गन नीचे करोगी? मुझे बताओगे यूएन एक जियोलॉजिस्ट के मर्डर में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये अंटार्कटिका का पहला मर्डर है और ये दूसरा। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये कितना नाजुक मामला है। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहते। और यूएन इन सब पर नजर रखना चाहता था, उसे कुछ चाहिए था जो यहाँ की खबर पर काबू रख सके। और वो तुम हो? जी हाँ, मैं हूँ। बहुत देर हो रही है, जब तक मौसम साफ है हमें डेल्टा वन पहुंच जाना चाहिए। रुको, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चलो, हमारी दोस्ती की शुरुआत अच्छी हो रही है, तुम अपनी चीजें बांटना नहीं चाहती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर एक बात बता दूं, अगर मैं तुम्हारे पायलट को प्लेन उड़ाने का हुक्म देता हूँ तो ये नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। सही कह रहा है। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम पोल को ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच गए? जब मुझे कॉल आया तब मैं मकमर्डो में था। तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो जो तुम्हें मारने आया था? हाँ, 6 फीट लंबा, ठंड के कपड़ों से सिर से पांव तक ढका हुआ। क्या तुमने ऐसा आदमी देखा था? नहीं, मैं व्हाइट आउट के बाद वहां पहुंचा। ऐसा तुम कह रहे हो? Oh God. अभी तक तुम्हें इस मौसम की आदत नहीं हुई है। वैसे तुम्हें मैकमर्डो में कुछ देर और रुकना चाहिए था। हम पहुंचने वाले हैं, सीट बेल्ट लगा लो। ASP ये 178 है, मैं कैंप डेल्टा 11 में मार्शल स्टिकेटो और एजेंट रॉबर्ट प्राइस के साथ उतर रहा हूँ। क्या आप मुझे तूफान की ताजा जानकारी दे सकते हैं? नवंबर 178, मौसम में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर कुछ होता है तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। रॉजर ASP, मैं वापस आते हुए आपको इन्फॉर्म करूँगा। इस पर नजर रखना। हाँ, ठीक है।
यहां उनके वर्कसाइट का मैप है। उन्होंने इस एरिया के लिए ग्रिड पैटर्न इस्तेमाल किया है। लगता है वो ग्रिड 104 पर रुक गए थे। मैं यहाँ कुछ महीने पहले ही आके गया था, लेकिन डेड कॉर्ड और ब्लास्टिंग कैप्स जियोलॉजिकल कैंप्स में कब से इस्तेमाल होने लगे? यहाँ पर तो बहुत सारे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव हैं। आखिर जियोलॉजिस्ट को इनकी क्या जरूरत? लेकिन उन्हें मेटियोर्स को जमीन पर ढूंढना था। हमें उस जगह जाना चाहिए। लगता है हाई एक्सप्लोसिव के बारे में काफी कुछ जानते हो डेल्फी। हाँ, मैंने उनके बारे में सीखा है। करबाला में बगदाद उनके प्लेन्स उड़ाता था। और तुम? मैं भी उसी देश में कहीं था। और अब हम लोग एक डेजर्ट से दूसरे डेजर्ट में आ गए हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा ठंडा है। और कितनी दूर है? बस पहुंचने वाले हैं। गुड। तो मिलिट्री में काम करने के बाद यहाँ यूएन में काम करने कैसे आ गए? यहाँ एक पोस्ट खाली थी। तुम्हारे जैसे यूएस मार्शल यहाँ अंटार्कटिका में कैसे आ गए? यहाँ भी एक पोस्ट खाली थी। हम पहुंच गए। यहाँ तो बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं है। चलो वापस चलते हैं। तुम्हें यकीन है यही जगह है? ये सेक्शन 104 है, जैसा मैप में था। सही मैप तो देखा था ना? इस बर्फ में छेड़छाड़ हुई है। ये जगह खोदी गई है। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे छुपाने के लिए उस पर बर्फ डाल दी गई है। मार्शल, मार्शल, लेट गो, मार्शल, लेट गो, मार्शल, मार्शल, तुम ठीक हो? जाओ वहीं रहना। मैं गाड़ी से रस्सी लेकर आता हूं। अगर चोट लगी है तो जरा भी मत हिलना। रस्सी को देखो। ओके, मैं नीचे आ रहा हूं। लगता है वो जो भी ढूंढ रहे थे उन्हें मिल गया था। आखिर यहां हुआ क्या था? दीवारों पर ये खून देखा? देखा था। ये कार्गो प्लेन है क्या? ये अमेरिका का है? ऐसा लगता तो नहीं है, पर ये जो भी है बहुत पुराना है। तुम्हें क्या लगता है ये कब से यहां है? रशियन वोडका। ये एंटोनोव N-12 हो सकता है। ऐसे प्लेन 50 सालों से नहीं उड़े हैं। ओ, ये क्या है? क्या हुआ? क्या है वहां? यहाँ एक बॉडी है।
इसके सिर पर किसी ने गोली मारी है। यहाँ और एक है, इस तरफ एक और है। यहाँ ये पायलट के पास क्यों आया था? कौन जाने। हमें यहां से फौरन निकल लेना चाहिए। स्टैटको, इसे समझ आता है कि कैसे क्रैश हुआ होगा। वो आसमान में थे, पायलट कंट्रोल्स पर था, तभी को पायलट साथियों को मारने पीछे गया। चाहे उसने पहले गार्ड्स को चौंका दिया हो, लेकिन दूसरे गार्ड्स चौकन्ने हो चुके थे और दूसरे गार्ड्स ने को पायलट पर गोलियां चला दी। बैंग बैंग, गार्ड्स और को पायलट ने एक दूसरे को मार डाला और पायलट को भी गोली लग गई। और प्लेन बर्फ में समा गया। क्या बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्राइस कहाँ है? तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, हमें देर हो गई। जरा ध्यान से। ओह, ये तो ताजा खून लग रहा है। यह वायस का होगा। वायस की टांग पर घाव था, शायद ये बॉक्स खोलते वक्त उसे चोट लग गई होगी। इसके अंदर जो कुछ भी था उसी के लिए वो यहां आए होंगे। रास्ते में जो खून है वो उसी का है, उसे ले जाते हुए निशान वहां पड़ गए होंगे। सही है। तुम ये सुनकर हैरान नहीं हो रहे? तुम जानते थे ये यहां पर है। सच बताओ प्राइस। दो दिन पहले किसी ने यहां हिटलिस्ट के हथियारों के डीलर से कांटेक्ट किया था। वो 6 कनस्तरों के बेचने का इंतजाम करवा रहा था, जो कि पुराने सोवियत ट्रांसपोर्ट से मिले थे। उनमें क्या था हमें नहीं मालूम, लेकिन 50वीं सदी में सोवियत ने यहां अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने वाले मटेरियल छुपाए थे। अगर इस बक्से से जियोलॉजिस्ट को वही मिला है तो वो खुले बाजार में जाने के लिए तैयार है। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे खूनी और मेरे कनस्तर में कोई तालमेल है। और अब क्या लग रहा है तुम्हें? ये आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि कोई हमें ढूंढ पाएगा, हम यहीं घुटकर मर जाएंगे। हाँ, अगर हम उससे पहले यहां जमकर नहीं मर गए तो। कोई सिग्नल मिला? नहीं। बहुत अच्छे, लगता है हमें इसे खोदकर यहां से बाहर निकलना होगा। पर किससे? ये बर्फ 20 फीट गहरी होगी। कोशिश कर रहा था कि निराश ना हो। किसी को पता भी नहीं है कि हम यहां नीचे हैं। हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। कोई बचा लो ताकि मैं इनसे मिल लूं। लगता है इस हीरो को हमें बचाने का प्लान आ गया है। बैकअप ऑक्सीजन खाली हो गया है,
शायद क्रैश में डैमेज हो गया होगा। ओ गॉड, हे क्या? जब ये बंदा प्लेन में चढ़ा होगा तो इसे जरा भी ख्याल होगा कि ये किस तरह मरेगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? जब हमें वाइस मिला था उसने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ था, उसकी बॉडी के पास कोई कुल्हाड़ी भी नहीं मिली। तुम कहना क्या चाहती हो? वॉस्टॉक से सिर्फ प्लेन द्वारा ही बाहर निकला जा सकता है, जिसका मतलब खूनी के पास प्लेन होना जरूरी है, इसलिए वाइस की बॉडी की हालत इतनी बुरी थी। क्या इसलिए वो हवर्थ मेसा पे मिला था? हाँ, मेरे ख्याल से उसे किसी ने मारकर प्लेन से फेंक दिया था। इस बात को छोड़कर यहां से बच के निकलने के बारे में कुछ सोचा जाए? हम मुश्किल में हैं। सुनो डेल्फी, मैं सोच रहा था कि क्या इस प्लेन में कोई इमरजेंसी एग्जिट है? हाँ जरूर होनी चाहिए, वो छत पर होनी चाहिए। ये रही, इसमें एक्सप्लोजिव लॉक्स हैं। हमें खिड़की तोड़नी होगी। हम आइस से उस होल को मारेंगे। प्लेन जिस तरह से खड़ा है, जमीन हमसे 10 फीट की ऊंचाई पर होगी। ना 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 ना, वो तुम 60 साल पुराने लॉक को तोड़ोगे? अगर बर्फ बहुत ज्यादा मजबूत हुई तो विस्फोट हम पर ही आ गिरेगा। नहीं ब्राइस, हम खुद को उड़ा सकते हैं, घुट सकते हैं, जमकर मर सकते हैं। तुम चूज कर लो। ठीक है, करो। हमें किसी तरह की पावर चाहिए। ये लो, इस सैटेलाइट फोन में काफी पावर बची होगी। ओह, ये तो अच्छा आइडिया है। जल्दी करो, बहुत ठंड है। तुम लोग ब्लास्ट से दूर हट जाना। ब्लास्ट होने वाला है। बहुत बढ़िया। अब ये क्रेट्स इकट्ठी करो, यहां से निकलते हैं। कैरी, डेल्फी, जल्दी आओ। हमें यहां से जल्द निकल लेना चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं, एक सेकंड के लिए इसे छोड़ देते हैं जरा। मत पियो, ये तुम्हारे शरीर का तापमान कम कर देगा। ठीक है, थोड़ी मुझे भी दे दो। क्या पागलपन है, उस बक्से के लिए शीत युद्ध में कुछ रशियन एक दूसरे को मारना चाहते हैं वो समझ में आता है, लेकिन 3 PhD स्टूडेंट जैसे पचड़े में फंस सकते हैं? नहीं समझ में आता। इस जगह का असर है, फिर से कोशिश करो। शर्म है बच्चे। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं दिखा दूंगी। मैं अपने ऑफिस में बता देता हूँ कि हमें क्या मिला है। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मुझे पहले ही 2 बॉडीज का मामला सुलझाना है, और ना जाने उस रशियन प्लेन से क्या चुराया गया। मैं जानता हूँ ये स्थिति अच्छी नहीं है। मैं बेस खाली करवाना चाहता हूँ, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल। मैं बाद में बात करता हूँ।
तुम बेस से हरे को निकाल रहे हो? मैं अपने कलीग्स के लिए 6 महीने तक ये रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर एक खूनी खुला घूम रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं खूनी को नहीं पकड़ पाऊंगी? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। रूबिन का कुछ पता चला कहाँ है? नहीं, पर हमने उसकी फोटो सभी बेस पर भेज दी है। अच्छा किया, शुक्रिया। कह रही ऐसा नहीं कि तुमने इसकी जांच करने की काबिलियत नहीं है, मैं सिर्फ अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। सैम, जब मैंने वाइस की जांच की तब उसकी बॉडी पूरी तरह जमी नहीं हुई थी। उसकी बॉडी को वहाँ होवर्थ मेसा में पड़े ज्यादा से ज्यादा एक दिन हुआ होगा। तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि उसकी बॉडी जब मिली तो कौन से पायलट उस दौरान जहाज उड़ा रहे थे। इसका कोई मतलब नहीं है। सैम, वाइस की बॉडी प्लेन से नीचे फेंकी गई थी। जो भी पायलट था वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। मुझे अभी पायलट से बात करनी है। देखो, वो लोग कैंप खाली कर रहे हैं। हम सब 20 मिनट के अंदर यहाँ से उड़ने वाले हैं। शक। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मेरे दस्ताने खो गए थे। मुझे चैनल 6 पर जाना है। जब पायलट्स वहाँ आ जाएं तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अपने हाथ का ध्यान रखना। अपने हाथ से ज्यादा मुझे इन लोगों का ध्यान रखना है। तुम कितने दिनों से नहीं सोई हो? कुछ याद नहीं। ये क्या हुआ? कुछ महसूस हुआ? नहीं। यहाँ कुछ नहीं। मुझे इन दोनों उंगलियों को काटना होगा। नहीं, कभी नहीं। इनमें जान नहीं है क्यारी। अगर इन्हें अभी नहीं काटा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा और तुम अपना हाथ खो बैठोगी। मुझे अफसोस है बच्ची। आई एम सॉरी। कितने दुख की बात है। जॉब के आखिरी दिन हम दोनों का काम कितना उलझनों भरा हो गया है। अच्छा है, मेरी उंगलियों पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तुम ठीक हो? आप शिकागो में वापस प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना? मैं वापस जाकर सिर्फ अपनी पोती से खेलूंगा। यहाँ बच्चे देखने को भी नहीं मिलते। आप भूल जाते हैं कि वो होते कैसे। और डॉग्स, पेड़। मैं यहाँ की कुछ चीजें मिस करूंगा। जैसे क्या? उमस ना होना, बेरंग जमीन, 2006 की सर्दियों की रेडियो डार्ट्स चैंपियनशिप। हमने नॉर्वे को हरा दिया था। हाँ, हमने हरा दिया था। हमने 2 विंटर्स एक साथ गुजारी हैं डॉग। हमने अच्छा समय गुजारा, बहुत अच्छा समय। ठीक हो ना? तुम बहुत हिम्मत वाली हो। बस थोड़ी देर और।
बाद में आना। मैं क्लिनिक गया था, डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया। यही ना कि मैं काफी सख्त हूँ? कुछ कह नहीं सकता, मुझसे तो तुम काफी सख्ती से पेश आई थी। मैं जानना चाहती थी कि मैं तुम पर भरोसा करूं या नहीं। बैच पर भी तुम्हें भरोसा नहीं? सिर्फ बैच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें हुआ क्या था कैरी? तुम यूएस छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? मैं और मेरा पार्टनर एक केस पर काम कर रहे थे, एक ड्रग डीलर पर। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार हमने उसे पकड़ लिया। इसे पकड़ के कमाल किया तुमने। थोड़ी देर सो जाओ, थक गई होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे मैं उठी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सॉरी, हमने तुम्हें जगा दिया। नहीं, मुझे गर्मी लग रही थी, वहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था। तुम इसे संभाल लोगी? हाँ, बस मैं अभी आई। जैक, सबसे पहले मुझे अपने पार्टनर का ख्याल आया, कहीं उसे चोट तो नहीं आई। यहाँ एक इमरजेंसी है, कैदी बचकर भाग गया है, पता नहीं वो किस तरफ गया है, और मेरा पार्टनर मर चुका है। आई रिपीट, अचानक मैं मुसीबत में फंस गई थी। साले हराम साथे, उसे भगाने का कितना पैसा मिला कैरी, और मुझे मारने का कितना? बोल। बहुत सारा। ठीक है, मैं जानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी बात सुनो प्लीज कैरी। और मैंने उसे मार दिया, और कोई चारा भी तो नहीं था। नहीं, लेकिन मैं ये भूल नहीं पा रही हूं कि जैक ने मुझे धोखा दिया और मुझे पता भी नहीं चला। और अगर मैंने वैसा नहीं किया होता तो मुझे ये पोस्ट भी नहीं मिलती। मेरे ख्याल से तुमने कोई गलती नहीं की। अगर तुम सच में खुद से हार मान लेती तो तुम बहुत पहले इस जॉब से रिजाइन कर देती, लेकिन तुमने किया नहीं, और तुम यहां इस जगह दुनिया के सबसे पेचीदा मार्शल की पोस्ट संभालने आ गई। किस लिए? खुद को सजा देने के लिए। तो ठीक है, तुम वो कर चुकी हो, तुम बहुत अच्छी मार्शल हो और तुम ये जानती हो। मैं हेल्प करता हूं। कैरी, तुम सुन रही हो? बोलो। रूबीन को अभी बेस पर देखा गया है। कहाँ? अभी वो साइंस बिल्डिंग से गुजरा है। ग्रेट। मौसम की ताजा जानकारी से पता चला है कि ये कैटेगरी। जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। मुझे सूचना दी गई है कि अब भी कुछ मेंबर्स अपने वर्क स्टेशन पर काम कर रहे हैं। आपके पास अपना काम खत्म करके साइंस सेक्शन को बंद करने के लिए सिर्फ
घंटे बचे हैं, हमें तूफान से बचना है दोस्तों, तो प्लीज जल्दी करिए। रूबिन, वहां क्या हुआ था? मैं उस रशियन प्लेन के बारे में जानती हूं। रोबिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे सब बताओ। हम मेट्राइड्स के सैंपल्स को ढूंढने गए थे, हमें हफ्तों तक कुछ नहीं मिला, और फिर अचानक रडार ने कुछ इंडिकेशन दिया, हमें कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई थी। हमें बहस हुई कि वो क्या हो सकता है। हमें जो मिला उसकी रिपोर्ट करने वापस स्पेस में आए, तभी हमने खोए हुए रशियन प्लेन के बारे में सुना। रिपोर्ट करने के बजाय हम वहां वापस गए, हमने बर्फ में धमाका करके उसमें रास्ता बनाकर वो प्लेन ढूंढ निकाला। उस बॉक्स को खोलने के चक्कर में मैं इसने अपनी टांग पूरी तरह घायल कर ली, उसका खून तेजी से बह रहा था। हमने खून को रोकने की कोशिश की, हमें उसे हिलाने में भी डर लग रहा था, तो मैंने मदद के लिए रेडियो पर मैसेज दिया। प्लान ये था कि जब वो पोल पर पहुंच जाए तो हमें कॉल करें ये बताने के लिए कि वो ठीक है। मुरी ने सही कहा था, उसने कहा था कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। किस पर? तुम्हें कौन मारना चाहता है? कैरी, उसे रोको, भागने मत जाओ उसे। पागल हो गया क्या? कौन है ये? रूबेन, उसे रोको, पकड़ो उसे। दरवाजा खोलो रूबेन, रूबेन खोलो, रूबेन दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, मेरा नाम रसल हेडन है, मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूं और अपने वकील से बात करना चाहता हूं। ओके? इसने और कुछ बताया? वही दोहरा रहा है। जो बंदा तीन खून के लिए अंदर जाने वाला हो, मुझे लगता है उसे हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उस प्लेन में तुम्हें क्या मिला था? हे मार्शल, तुमने कपड़े उतार के मेरी तलाशी अब तक नहीं ली, मजा आएगा क्योंकि अब तुम अपनी दो उंगलियां मिस करोगी। प्राइस, मुझे छूना भी मत, हट, छोड़ो मुझे। शांत रहो दोस्त, मैं तेरा दोस्त नहीं। ओके? मेरा नाम रसल हेडन है, मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूँ। इसकी उंगलियां काटते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। नहीं नहीं नहीं, बता दो। हमें पता है तुमने वेस की मदद करने के लिए 104 प्लेन उड़ाया, तुमने उनके हिस्से के साथ क्या किया? उन्हें तुमने कहां छुपाया? वो मेरे सामान में है, सच कह रहा हूं, मेरे सामान में है। बेवकूफ औरत, जब तक इसे प्लेन में नहीं ले जाते बंद कर दो।
अरे चल रहा हूँ ना। तेरी तो तूफान आने ही वाला है, हमें जल्दी चलना चाहिए। लेकिन हम उन कनस्तर के बिना नहीं जा सकते। 15 मिनट मैं सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। मैं देखता हूँ कहीं इसका सामान प्लेन में तो नहीं है। सैम थैंक्स। प्लेन में मिलते हैं। भाग सकता है। ओह गॉड, डेल्फी। वो मैं हूं। डॉग को देखने गया था पर वो मिले नहीं। कैरी ओके। डॉग कमांड सेंटर पर आपकी जरूरत है। डेल्फी घायल हो गया है। क्या हुआ? उसे चाकू मारा गया है। मैं अभी आता हूँ। आखिर हो क्या रहा है? हेडम भाग गया है। क्या? हाँ पता नहीं वो कैसे भाग गया। हटो इसे, मुझे देखने दो। कैरी आखिर तुम हो कहाँ और डॉक्टर कहाँ? वो हमारे साथ हैं, हम अभी अंदर हैं। तुम्हें निकलना चाहिए, बेस बंद हो रहा है। हम नहीं निकल सकते, हेडन भाग गया है, उसने डेल्फी को मारने की कोशिश की। ओह नो। हम प्लेन पर नहीं आ पाएंगे। कैरी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम चले गए तो 6 महीने तुम्हें यहीं रहना होगा। हम जानते हैं। तो गुड लक और अपना ध्यान रखना। हमें इसे क्लिनिक ले जाना होगा, मेरी मदद करो। स्टेशन इमरजेंसी में बंद हो रहा है, पूरा स्टेशन खाली कराया जा रहा है। रिपीट, स्टेशन इमरजेंसी के लिए बंद हो रहा है। हेडन अपने प्लेन की चाबियां ले गया है, वो तूफान आने से पहले भागना चाहता है।
ये क्या कर रही हो? पता लगा रही हूँ कि इसके अंदर क्या है। तुम नहीं जानना चाहते? अगर ये रेडियो एक्टिव है तो नहीं। तुम्हें नहीं लगता अगर वो होता तो रशियन इस पर किसी तरह का निशान लगाते? हाँ बिल्कुल, पर तब वो निशान ढक्कन पर होता। नहीं है तो इसे खोलने में रिस्क है। ये क्या? अगर रेडियो एक्टिव की जगह जेली बीन्स निकली हैं तो इसका मतलब इसका कोई पार्टनर है। हाँ पर कौन? वो जरूर ट्रांसपोर्ट प्लेन में चला गया होगा। हाँ जरूर गया होगा। खट्टे अंगूर जैसे। सैम वो जरूर ट्रांसपोर्ट में होगा। मुमकिन नहीं है, मैंने प्लेन की हर चीज चेक कर ली है। तुमने सब कुछ चेक किया? हाँ, कुछ भी संदेहजनक नहीं मिला। वो जरूर कहीं बेस में छुपा होगा। तुम्हें यकीन है कि लिस्ट में जो भी सामान था वो प्लेन में है? नहीं पूरा यकीन नहीं, हम बहुत जल्दी में थे। तुम्हारे पास सामान की लिस्ट है? तुम्हें चाहिए? हाँ तो मुझे फैक्स कर दो सैम इसी वक्त। क्या कहा उसने? वो अभी हर चीज की जांच कर रहे हैं। जब हो जाएगा तो मुझे फोन करेंगे। तुम बहुत थक गई होगी है ना? हाँ मैं नहा लेती हूँ। जल्दी करो सैम। से लेकर 260 साइंस बिल्डिंग।
ये ताजा घाव है, किसी ने जरूर इसे ठीक करने की कोशिश की होगी। हाँ, और वो बहुत जल्दी में थे। कहो तो मैं बॉडी को बैग में डालकर मैकमर्डो के प्लेन में डाल दूं। ये मामला उन्हें सुलझाने दो, यही अच्छा होगा। वो हीरे हैं, कच्चे हीरे और सबसे कीमती। बिना तराशे इनकी खूबसूरती पता नहीं चलती। आपकी कोई पोती नहीं है, है ना? मेरा कोई भी नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न में 12 साल, 20 साल तक प्राइवेट प्रैक्टिस, और अब भी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ठंड से जकड़े मरीजों को ठीक कर रहा हूँ, उनकी थकान मिटा रहा हूँ। वो हीरे 50 सालों से बर्फ में दबे हुए थे, किसी को पता भी नहीं था। जो कुछ भी मैंने इस देश को दिया है, अब उसमें से कुछ वापस लेने की मेरी बारी है। आपकी बारी? उसका क्या जो आपने उनसे लिया, जो मुझसे लिया? हम दोनों दोस्त थे। तुम्हारा हाथ कैसा है? दर्द होता है। हाँ, कुछ दिनों तक करेगा। चाहे तुम्हारी उंगलियां चली गई हैं, पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वो वही हैं। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा डॉक।
हाँ मुझे मालूम है। मैं नहीं चाहता था कि किसी को नुकसान हो, लेकिन हेडन बहुत लालची था, वैसे तो हम सभी थे। साल के इस समय में साउथ पोल की लाइट्स बहुत खूबसूरत दिखती हैं। तुमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया है ना? नहीं। मैं आखिरी बार इसे देखना चाहता हूं। ठीक है। कभी तुम भी इसे जरूर देखना। नजारा बहुत खूबसूरत होता है। ये गेम मैं सीख जाऊंगा। शर्त लगा लो जिंदगी भर ये गेम नहीं सीख पाओगे तुम। थोड़ी और कोशिश करो यार, ढंग से खेलो थोड़ा सा। क्या इसके 100 पॉइंट पूरे हुए? खुद ही देख लो। वाह क्या हिट किया है। तुम्हें निराश कर दिया ना? हाँ किया तो। कहाँ जा रही हो? बस ऐसे इंस्पेक्शन करने जा रही हूँ।